छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा के प्रमुख नगर अकलतरा में बीती रात सेंट्रल बैंक के सामने अजय जैन के मकान पर किराए से संचालित टाटा इंडिकेश के एटीएम में चोरी करने तीन अज्ञात युवकों द्वारा सफल साजिश की गई। एटीएम से लुटेरों द्वारा काफी प्रयास के बाद भी जब वे रुपए निकालने में सफल नहीं हो सके तब उन्होंने एटीएम को ही तोड़ डाला। प्रातः मकान मालिक अजय जैन ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। एसडीओपी अजय चंद्राकर एवं एएसआई बीपी तिवारी एवं अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों को सूचित करते हुए घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। अभी तक आरोपी कौन थे ज्ञात नहीं हो पाया है। जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार तीन अज्ञात आरोपी युवक पूरी तरह से नकाब से ढके हुए थे नजर आ रहे हैं। एटीएम अकलतरा जो चंद्रकालाज के पास है उसमें चोरी की सूचना करीब 10:30 बजे मिली। एटीएम को आकर के स्टाफ के साथ देखे तो एटीएम टूटा हुआ है। एटीएम के मालिक से सूचना देकर बुलाए जो अभी आया है और अवधेश नाम है उसका, बताया कि एटीएम को चोरी के नियत से तोड़ फोड़ किए हैं। इसमें करीब 6 से 10 लाख करीब 6 लाख तो पड़ा नहीं पैसा और 10 लाख पैसा है जो चोरी नहीं हुआ है। सिर्फ एटीएम को नुकसान किए जिसकी विवेचना क्राइम टाग स्क्वाड बुलाया गया, फिंगरप्रिंट का भी बुलाया गया है और इसमें लगे सीसी कैमरा निकाल कर कार्रवाई की जा रही है।